नमस्कार दर्शकबिन, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, क्या अगर आप गर्भवती है तो आपके मन में एक शंका उत्पन्न रहता होगा कि मेरे पेट में पुत्र है अथवा पुत्री है, अथवा आपके मन में पुत्र पुत्री के लिए कोई भेदभाव भी भाव भी ना हो, परंतु मन में एक इच्छा सदैव बना रहता है कि मेरे गर्भ में पला हुआ बच्चा पुत्र है अथवा पुत्री है। तो उसके बारे में मैं आपको कुल 10 टिप्स आपको बताऊंगा और उसके माध्यम से आपको सरल तरीके से आप किसी को बिना बताए, किससे बिना पूछे आप तय कर पाएंगे कि मेरे गर्भ में पुत्र है अथवा पुत्री है। सर्वप्रथम आज के युग में पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि आज हमारे देश में कई जो कन्याएं हैं अथवा लड़की हैं वो नया नया इतिहास रच रही हैं और लड़कों के समान रहकर कार्य करने में सक्षमता प्रस्तुत कर चुकी हैं। इसलिए आज के युग में पुत्र और पुत्री में भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं आज आपको गर्भ में क्या पला हुआ है इसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम पुत्र है अथवा पुत्री है, ये 3 से लेकर 4 महीने के अंदर लिंग निर्धारित होता है। तो इसलिए 3 अथवा 4 महीने के बाद ही अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे और जो नियम मैं बताऊंगा इस नियम को अगलने की कोशिश करेंगे तो आपको इसके बारे में सरल और सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगा। तो सर्वप्रथम पहला लक्षण था 3 से लेकर 4 महीने में लिंग निर्धारित होता है। दूसरा है, अगर जिन स्त्री का पेट अधिक फैला हुआ हो, ऊपर की ओर उठा हुआ हो, तो पुत्री होने की संभावना अधिक अथवा प्रबल होता है। और दूसरा, अगर पेट चौड़ा है और नीचे की ओर झुका हुआ है तो उसमें पुत्र प्राप्ति का योग अधिक होता है। ऐसा ही अगर आपके मन में अधिक तिरछा करवट अथवा उल्टे करवट सोने की इच्छा करता हो तो पुत्री प्राप्ति, अथवा सीधा करवट सोने का मन करता हो एक अंदरूनी तरीके से, तो वहां पुत्र प्राप्ति का लक्षण आप स्वयं जान सकते हैं। दूसरा, अगर आपका पैर अधिक ठंड रहता हो, अभी तो खैर सर्दी है इसलिए भी आपको ये महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन गर्मी समय में भी अगर आपका पैर अधिक ठंडा होता हो तब भी आप ये जाने कि आपके गर्भ में पला हुआ जो संतान होगा वो पुत्र ही होगा। और चटपटे खट्टा चीज अगर खाने का मन करता हो तो तब भी आप ये समझें कि आपके पेट में पला हुआ पुत्र ही है। और पेट आपका गोल आकार का है, नीचे को झुका हुआ है, तब भी आपका पुत्र प्राप्ति का योग अधिक होगा। आपका धड़कन अगर ज्यादा जल्दी, अगर आपका धड़कन धड़कता हो तो पुत्र प्राप्ति का योग प्रबल होता है, और अगर कम धड़कन है तो पुत्री प्राप्ति का योग का आगमन होता है। तो ऐसा ही अगर आपके हाथ पैर में अचानक से बाल दिखाई देते हैं अथवा बाल आने शुरू हो जाते हैं तो तब भी आप ये समझना कि आपके गर्भ में पुत्र का आगमन हो चुका है, क्योंकि पुत्र अथवा पुरुष के कुंडली में हार्मोन का मात्रा अधिक होता है। तो इसलिए पुत्र प्राप्ति के समय में बाल आना एक विशेष जानकारी के रूप में भी लिया जाता है। दूसरा, आप कोशिश करना है
कि आप सदैव सीधे हाथ नीचे दबाकर ही आप स्वयं जिससे पुत्र प्राप्ति का योग होगा। अगर पुत्र की कामना करने वाले उल्टे हाथ नीचे दबाकर अधिक से अधिक सोने की कोशिश करना होगा। अगर ऐसा कोशिश करेंगे तो आपको पुत्र ही प्राप्ति होगा। तो आशा करता हूं ये 10 टिप्स आपको जो मैंने प्रस्तुत किया है अच्छा लगा हो और आप इसके माध्यम से आप स्वयं जान पाएंगे कि गर्भ में पुत्र है अथवा पुत्री है। तो इसलिए वीडियो को आप ध्यान से सुने और सुनने के बाद आप अपना यही महसूस करने की कोशिश करें, आपको जानकारी हो जाएगा। हस्त मित्र आज इतना ही, फिर एक और टॉपिक लेके मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। कोई भी समस्या आपके जीवन में है और रत्न वास्तु संबंधी अथवा ज्योतिष संबंधी जो भी जानकारी आप चाहते हैं अथवा रत्न आप धारण करना चाहते हैं तो हमारे से आप फोन करके अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पूजा पाठ के समस्त सामग्रियाँ, रत्न, अष्टधातु की मूर्ति एवं सिद्ध किया हुआ यंत्र भी प्राप्त हो जाता है। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो कोरियर के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा और जो भी घर में समस्या हो भी आप फोन के माध्यम अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हरिओम।